अस्सलामुअलैकुम। तो मैं और जूली एक कप चाय पी रहे हैं और साथ बड़े मजे की गपशप कर रहे हैं। इतनी इंस्पिरेशनल बातें करती हैं जूली, आई वांट यू टू हियर सम ऑफ इट। तो पहला क्वेश्चन ये है जूली कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए मैम, यहाँ पे चूंकि दो आइडियोलॉजी जिस की बात मैं करूंगी नजरियात पे। एक नजरिया तो है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर कानूनी हक देना, और हमारा नजरिया ये है कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी पर नहीं दिया जाए, उसको तिब्बी मुआयने के बाद उसको जो है उसकी शनाख्त दी जाए। अब ये दो नजरियात हैं। एक नजरिया तो ये कहता है कि हम शलवारें नहीं उतारेंगे, हम नंगे नहीं होंगे, हमारा राइट टू डिग्निटी है, हम अपने मुंह से जो कहेंगे हमें वो माना जाए। एक नजरिया ये कहता है कि जब आप हकूक की फरहमी करते हैं तो हकूक की फरहमी में आपको वसाइल की फरहमी भी करनी होती है। तो जब वसाइल की फरहमी की बात आती है तो वसाइल मुस्तहिक अफराद तक कैसे पहुंचेंगे, वहां पे फिल्टर लगाना जरूरी है, और वो फिल्टर जो है वो तिब्बी मुआयने ही है। इसके अलावा वो कौन सा फिल्टर हो सकता है? मुझे आप देखें, 2.5 लाख की जॉब आई है ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्स शनाख्ती कार्ड को दे रहे हैं, मैं कैसे फिल्टर लगा के वहां पे जाऊं? वहां पे कोई भी बेरोजगार शख्स जिसके जो बाप खुदकशी कर रहे हैं, जो आए जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि 6 बच्चों का बाप भूखा था, उसने खुदकशी कर ली, मां थी भूखी खुदकशी कर ली, MBA करता लड़का सड़कों पे मारा मारा फिर रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो वो जो मारा मारा फिर रहा वो एक्स शनाख्ती कार्ड की नौकरी नहीं लेगा? बिल्कुल वो लेगा ना, वो तो मारा मारा फिर उसे पता चलेगा एक्स शनाख्ती कार्ड मिलने से 2.5 लाख की नौकरी मिल रही, उसने ले ली, मैं कहां चली गई? आप मुझे 2018 में तालीम का हक दे रहे हैं और 2022 में आप उसे MSc और मास्टर्स की डिग्री मांग रहे हैं नौकरी के लिए। तो यहाँ पे ये इख्तलाफ आ रहा है, यहाँ पे हुकूम की फरहमी नहीं हो रही। एक्स का जेंडर का क्या मसला है? देखिए, एक्स जेंडर का मसला ये है कि आपको जब शनाख्ती कार्ड पे शनाख्त दी जाती है तो आपको शनाख्त उस सेक्स की दी जाती है जिसमें आप पैदा हुए थे। ठीक है, बाकी सारी जिंदगी आपकी जाती जिंदगी है, आपकी जाती आजादी है, आप जैसे मर्जी रहना चाहें। कोई मलांग बन के रहता है, कोई फकीर बन के रहता है, कोई पागल बन के रहता है, कोई आर्टिस्ट बन के रहता है, कोई खुसरा बन के भी रह ले, लेकिन बन के रहने पे हकूक नहीं मिलेंगे। ये आपकी जाती च्वाइस है। आप ये कहें कि मैं फलां चीज अपने आप को समझनी है तो मुझे वो हक दें, वो समझने पर हक नहीं मिलेगा। अगर आप हैं तो हक मिलेगा, समझने से कैसे? ऐसे तो कोई भी खुद को समझे। और जितना बेरोजगारी हमारे मुल्क में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप ये तस्वर कर लेंगे भी बहुत खुशहाल माशरे, यहाँ पे कोई एक्स पे तवज्जो ही नहीं देगा, यहाँ पे कोई एक्स जेंडर बनवाएगा ही नहीं। अब मसला ये आता है कि भी हमें एक्स जेंडर से इख्तलाफ क्यों है, मैं क्यों एक्स जेंडर से इख्तलाफ करती हूँ? तो भाई, इख्तलाफ की बहुत सारी दलीलें और वजूहत है जिसमें से चंद मैं जो है वो उन पर रोशनी डालती हूँ। पहली दलील तो ये कि जब आप मेल को कार्ड देते हैं शनाख्ती कार्ड, तो M लिखा होता है, M मेल को रिप्रेजेंट करता है। जब आप औरत को शनाख्ती कार्ड देते हैं तो F लिखा होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है मुझे ये बता दें। मैंने छोटे होते मैडम एक्स एक फिल्म देखी थी। अब वो जो मैडम एक्स थी, मैं उसको कोई फाश औरत समझ रही थी, 2018 के बाद पता चला कि वो ट्रांसजेंडर थी मैडम एक्स। मुझे तो आप पता चला, ये मुझे आज पता चला। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, वो फाश औरत थी, वो फिल्म फाश औरत बनाई थी मैडम एक्स। लेकिन अब आज के दौर में तो एक्स जो है वो ट्रांसजेंडर है जी। मैं तो मैडम एक्स को ट्रांसजेंडर पर समझ लूंगी। तो जो एक्स हमें अलामत दी जा रही है, एक्स देखिए अलजेब्रा में एक अननोन वैल्यू है। ठीक है ना, आप मैथ देखें तो एक अननोन वैल्यू को आप एक्स कहते हैं। तो चलो, जो जेंडर क्वेर है, जो नॉन बाइनरी है आपकी लैंग्वेज में, और जो किसी खाने में फिट नहीं होता, जो दे देम कहलाता है, वो तो एक्स शनाख्ती कार्ड बनवाए तो समझ में आती है। लेकिन आपकी UN की लैंग्वेज के मुताबिक जो बाइनरी जेंडर्स हैं उनको तो एक्स नहीं मिल सकता, उनको आप अननोन कैसे कह सकते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमान ख्वाजसरा पाकिस्तान में अक्सरियत में है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है और यहाँ पे अक्सरियत जो ख्वाजसराओं की है वो मुसलमान है। तो बतौर मुसलमान क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं अपने मजहबी आजादी हासिल कर सकूं? मैं अपने मजहब पे अमल करने के लिए मुझे आजादी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है कि नहीं? लेकिन एक्स शनाख्ती कार्ड मुझसे वो हक छीनता है, मैं हज उमरा नहीं कर सकती, मैं बतौर मुसलमान अपना एक रुकन पूरा नहीं कर सकती, मेरा जनाजा कैसे होगा? मैं मर जाऊंगी, मेरे जेब में शनाख्ती कार्ड होगा, आप कैसे मेरा जनाजा पढ़ाएंगे? बिल्कुल सही बात। मैं एक्स शनाख्ती कार्ड हूँ, एक्स का तसव्वुर कहां पे इस्लाम में? तो हमें उसके जवाब बात चाहिए थे। अगर आपके पास जवाब नहीं है और आप हमारे सवाल सुन के हमें इंतहा पसंद कहते हैं तो इंतहा पसंद फिर कौन है? मैंने कोई आपसे सवाल किए हैं कि भाई इनका जवाब दिया जाए।
तो मैं एक्स शनाख्ती कार्ड हम और फिर जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर किया और उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम एक्स कार्ड को मुस्तरद करते हैं, हमें एक्स नहीं चाहिए। मुल्तान में किया है, फैसलाबाद में किया है, हर जगह हम लोग खुद एहतजाज कर रहे हैं कि हमें एक्स शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए। जब मुखन्नस अफराद खुद कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल कराओ तो आप लोग क्यों नहीं कराते, मेडिकल क्यों नहीं कराते, आप लोग क्यों कहते हैं कि नहीं 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 किसी कीमत भी मेडिकल नहीं होने देगा। आपके अगर नजरिए को मैं सेकंड करूं तो जी ये जेंडर डिस्फोरिया भी एक बीमारी है, जेंडर डिस्फोरिया की तशखीस कौन करेगा? Yes. वो भी तो मायरे नफ्सियात डॉक्टर ही करेगा ना, डॉक्टर Yes. ही करेगा कि भाई ये इसको जेंडर डिस्फोरिया कि आम आप मैं बैठते या मैं ऐसे रास्ते में जाते किसी को भी कहते मेरी बात सुनो तुम्हें जेंडर डिस्फोरिया जो एक्स कार्ड बनवाओ, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको एक मुतलका इदारे पे जाना पड़ेगा। ऐसे तो अफराद वहां मजदूरी कहेंगे भी नादरा वालों को आपको नजर नहीं आ रहा क्या मजदूर है, हम नहीं जाके आपको सर्टिफिकेट ला के देंगे, उन्हें भी तो एक सर्टिफिकेट नादरा को देना पड़ता है ना जो शराफी कार्ड उनको बनता है। तो इस तरह तो वो एहतजाज करते हैं कि भी आपको नजर नहीं आ रहा हमारी इज्जत की तो यही ना हम नहीं बनवाई, हम एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है, एक सिस्टम है जिसको आपने गो थ्रू करना है, तभी तो राइट की एक्सेस आपको सही मिलेगी, तभी तो राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सोसाइटी में। तो आप उसको गो थ्रू करें, आप कहें जी नहीं नहीं हम नंगे नहीं होंगे तो नादरा में किसने नंगे होना है, किसने नहीं कहा नादरा में शलवार उतारो, नंगे डॉक्टर के सामने होना है अस्पताल में जहां पे औरत भी हो रही है। और ये नहीं कि हाँ डॉक्टर्स के पास आजकल तो मेडिकल टेस्ट जरूरी वो भी हैं जो ब्लड टेस्ट से पता चल जाते हैं आपके क्रोमोसोम कौन से आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर किस्म की टेस्टिंग है, ये भी तो एक छोटा सा मामला है। हाँ, जो मसला है इसका हल क्या है? देखिए इसका हल बड़े सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इंसानी जो नस्ल है, जो इंसान है, इसकी नस्ल के दो ही सेक्स हैं, एक औरत और एक मर्द। बिल्कुल, कोई भी इंसान पैदा होगा तो ये इन दोनों के अंदर ही पैदा होगा, ठीक है। अब होता ऐसे है कि कुछ अफराद जो मर्दों में मर्द पैदा होते हैं लेकिन उनके अंदर 100 किस्म की जेंडर डिस्फॉर्मिटी होती है, ठीक है, उसकी 100 किस्म की इकसाम होती है जिसको हम मॉशरे में खुसरा कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में उसकी कोई 100 टर्म्स निकालने हैं, उसकी कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसका नाम रखने, हम लोग उसको अपनी जुबान में खुसरा कहते थे कि ये खुसरा है। औरतों में जो होती थी वो खुसरी होती थी, जो औरतों में जो ख्वाजा सरा पैदा होती है, जो जेंडर डिस्फॉर्मिटी जिसको होती है, तो मतलब क्या होगा कि जिन्स दो ही है मर्द और औरत, या मर्दों में पैदा होंगी या औरतों में पैदा होंगी, इसके अलावा तो कुछ तीसरा नमूना पैदा होने से रहा। तो आपने जो मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा हुए उन्हें शनाख्ती कार्ड तो मर्द का दें, लेकिन उसके ऊपर एक तिब्बी मुआयना जब हो जाए तो एक शनाख्ती अलामत उसके कार्ड पे लगा दें कि भाई जब मैंने हकूक लेने हो तो मैं वो कार्ड दिखा के अपने हकूक ले सकूं, मैं तालीम ले सकूं, रोजगार ले सकूं, कल को मेरे लिए कोई हुकूमत कोई फंड निकालती है, मेरे लिए कोई चीज रखती है, तो वो शनाख्ती कार्ड देके मैं ले लूं और वो एक तिब्बी मुआयना जो है वो शो करेगा कि मैं वाकई ख्वाजा सरा हूं। अगर मैं औरतों में पैदा हुई हूँ ख्वाजा सरा तो शनाख्ती कार्ड मुझे औरत वाला मिलेगा, लेकिन एक तिब्बी मुआयना जो है मैं वो करवा के उसके ऊपर एक शनाख्ती अलामत लगवा दूंगी, कल को मेरे लिए कोई भी रिजर्व आता है कि भी जो औरतों में ख्वाजा सरा पैदा हुई उनके लिए 5 लाख घर बनाए, उनके लिए सेहत कार्ड बनाया, कुछ भी बनाया, तो मैं वो जाके हासिल कर लूंगी। अब ये सिंपल सी दो चीजें हैं। बाकी अगर कोई शख्स अपने आप को औरत समझता है, कोई मर्द अपने आप को औरत समझता है, तो वो समझता रहे, उसे एक्स शनाख्ती कार्ड क्यों चाहिए? आपको एक शनाख्ती कार्ड, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे, आप औरत समझने से जुर्म नहीं है, मैं तो नहीं पकड़वा सकती आपको। हाँ, नशा बेचना जुर्म है, चोरी करना जुर्म है, डाका मारना जुर्म है, खुद को औरत समझना जुर्म है ही नहीं, तो फिर बहस क्यों है कि भी हमारे हकूक दो हमारे हकूक दो। जिस दिन आप औरत समझें और आपको मुजरिम करार दिया जाए उस दिन आप ये नारा लगाएं कि भी हमें मुजरिम क्यों कहा जाता है, हमें हकूक दो, हम खुद को औरतें समझते हैं, तो समझ लें आप, लेकिन समझने पर हकूक आपको कौन से चाहिए।